लोगों में कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जो उन्हें भी पता है कि वो गुड हैबिट नहीं है, बेड हैबिट है, लेकिन चाहते हुए भी वो उससे छुटकारा नहीं पा सकते, उससे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि उसका उसको एडिक्शन हो जाता है। इस तरह से कई प्रकार के एडिक्शन लोगों में होते हैं। किसी को मोबाइल का एडिक्शन, किसी को स्वीट खाने का एडिक्शन, किसी को सिगरेट अल्कोहल का एडिक्शन। तो आपको भी किसी भी प्रकार का अगर एडिक्शन है और आप चाहते हैं कि आप उसे दूर करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। कोई व्यक्ति को अगर स्वीट खाने का एडिक्शन है और वो शाम को थके हारे घर आते हैं और उसे भूख भी बहुत लगी है, वो चाहते हैं कि वो फ्रेश फ्रूट्स खाए, लेकिन उसके घर में फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है। फ्रूट्स लेने के लिए उसे घर के बाहर थोड़ी दूरी पर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके घर में स्वीट्स बहुत सारी पड़ी हुई है, तो वो इंसान क्या खाना पसंद करेगा? कोई भी थका हुआ इंसान दूसरा ऑप्शन ही पसंद करेगा, क्योंकि फ्रूट्स लेने जाना है, फिर उसको खाना है, इसमें टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है, और वो थका हुआ है तो जो सामने दिखेगा वही खाने के लिए वो पसंद करेंगे। तो इस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ को अपने सामने अवेलेबल रखोगे, अगर आपको स्वीट खाने का एडिक्शन है तो आप अपने घर में स्वीट अवेलेबल रखोगे तो आपको स्वीट खाने का मन होगा, लेकिन उस व्यक्ति के घर में अगर उस समय फ्रेश फ्रूट्स पड़े हुए होते और स्वीट उसके घर में होती ही नहीं, तो वो क्या खाना पसंद करेंगे? फ्रेश फ्रूट्स, क्योंकि वो अवेलेबल है, उसके आसपास है, उसको खाने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का एडिक्शन है तो उससे अवेलेबल मत रखिए अपने घर में या अपने आसपास। अगर आप उसकी जगह हेल्दी चीज़ें अवेलेबल रखोगे तो आप वही खाना पसंद करोगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन है तो आप उसका नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो आपको बार बार मोबाइल लेने का मन होता है, उसे देखने का मन होता है। अपना मोबाइल आप थोड़ी दूरी पर रखिए जिसे आप बैठे बैठे ना ले सके। अगर अपना मोबाइल इतना पास रखोगे तो आपको बार बार देखने का मन होगा, चेक करने का मन होगा। तो इस तरह से आप जिस भी चीज़ का एडिक्शन है उसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, उसे हमेशा अवेलेबल मत रखिए, ताकि धीरे धीरे आपका एडिक्शन दूर हो जाएगा, आपकी बुरी आदत छूट जाएगी। और दूसरी बात, आप अपने आप को इतना बिजी रखें कि आपको उस चीज़ के लिए इच्छा ना हो। अगर आप खाली बैठोगे तो बार बार आपका मन उसकी ओर आकर्षित होगा, आपकी इच्छा होगी उस चीज़ के लिए, इसलिए जितना हो सके उतना अपने आप को बिजी रखिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।